खबर इंडिया 7। कर्नाटक में शनिवार को मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने शक्ति परीक्षण से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस जेडीयू गठबंधन को एक षड्यंत्र बताया और दावा किया कि अगले चुनाव में 150 सीटें जीत कर दिखाएंगे। 55 घंटे की सियासी उठापटक में कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं कौन है वो 5 बड़े नेता। नंबर 1, गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। उन्होंने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। येदुरप्पा सरकार के बहुमत हारने के पीछे भी उनकी रणनीति थी। उन्होंने ही चुनाव परिणाम आने के बाद ऐलान किया था कि कांग्रेस जेडीएस का समर्थन करेगी। इसके बाद ही कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर शाम को गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। अशोक गहलोत, कांग्रेस के संगठन महासचिव और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी येदुरप्पा की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। वह पूरे घटनाक्रम पर नजदीकी से निगाह रखे रहे और आजाद की अगुवाई में डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। सिद्धारमैया, कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे सिद्धारमैया के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार कभी अस्थिर नहीं हुई। सिद्धारमैया का ताल्लुक जेडीएस से रहा है, लेकिन बाद में मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उनके कार्यकाल में कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। डी के शिवकुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री एस बंगरप्पा और एस एम कृष्णा से नजदीकियों के कारण विख्यात रहे हैं। वह कर्नाटक में युवा कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। शिवकुमार ने कर्नाटक में चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को बीजेपी की पहुंच से दूर रखने में पार्टी की मदद की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। कर्नाटक की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है। खड़के स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं और 9 बार जीतकर विधायक बन चुके हैं और दूसरी बार सांसद हैं। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए